हिमाचल विधानसभा में शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण ढंग से चली। आज बिना विपक्ष के हंगामे के पहली बार प्रश्नकाल चला है। प्रश्नकाल के समाप्त होते ही विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से पूछा कि सरकारी स्कूलों में बच्चियों से छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ रही है। ताजा मामले में हरोली का है, जहाँ 13 बच्चियों ने शिक्षक पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। हिमाचल विधानसभा में शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण ढंग से चली। बिना विपक्ष के हंगामे के पहली बार प्रश्नकाल चला। प्रश्नकाल के समाप्त होते ही विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री से पूछा कि सरकारी स्कूलों में बच्चियों से छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ रही है। ताजा मामला हरोली का है, जहां पर 13 बच्चियों ने शिक्षक पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री के क्षेत्र में मिड डे मील में बच्चों को अलग बिठाने का मामला आया है। ऐसे मामलों में सरकार दोषी भी शिक्षकों के खिलाफ सीधा कार्रवाई कर बर्खास्त करे। कि आप जो है जैसे ही घटना घटित होती है और उसमें जो है सीधा जो है डिसमिसल के पावर इस्तेमाल करें, और अब जो आज की अखबारें आपने देखी हैं और आज का मीडिया आपने देखा है, उस सब में ऊना जिला के हरोली विधानसभा क्षेत्र में एक शास्त्रीय शिक्षक के खिलाफ जो है 13 बच्चों ने शिकायत की है, और उसके बाद प्रिंसिपल ने फौरन जो है उसको पुलिस को फॉरवर्ड किया, और पुलिस ने उसको शिक्षक को हिरासत में लिया है। लेकिन हमारा ये कहना है कि ऐसे मसलों में राजनीतिक प्रभाव जो है उसको बिल्कुल जो है ना माना जाए, और जैसा मंत्री जी ने भी कहा है कि ऐसी सिफारिशें नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप बताएं कि इसके बारे में नीतिगत फैसला है कि क्या हिमाचल में जरूरत नहीं है, जितने केसेस हो रहे हैं। और यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 311 के तहत हम डिसमिसल का प्रावधान करेंगे, और हमारा ये कहना है कि अगर जिस शिक्षक को आपने सस्पेंड किया है और उसकी बेल अपोज गवर्नमेंट को बेल अपोज करनी चाहिए, और उसके बाद उसका हेडक्वार्टर कहीं और फिक्स होना चाहिए। वैसे तो डिसमिसल के लिए तत्काल त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, तो अन्यथा जो है लोगों का विश्वास उड़ जाएगा। लोग कितने उससे अपनी बच्चियों को जो है स्कूलों में भेजते हैं शौक से, और अगर वहाँ पे शिक्षक जो है इस ढंग का काम करेंगे, इतनी शर्मनाक वारदातों का अंजाम देंगे घटना। जवाब में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि ऐसे मामले स्कूलों में बढ़ते जा रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। सरकार आर्टिकल 3/11 के तहत ऐसे शिक्षकों को बर्खास्त करेगी। शिक्षा मंत्री ने सभी से अपील की है कि ऐसे शिक्षकों की सिफारिशें लेकर कोई उनके पास नहीं आए। ऐसे मामलों में अवाड़ी विधायक भी शामिल हैं। ऐसे शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ताजा घटनाओं का जिक्र करते हुए शिक्षा मंत्री ने बताया कि इनकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जबकि हरोली मामले में दोषी शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। हरोली में कल केस हुआ है, उसके बारे में नेता विपक्ष ने जो है वो कड़ी ध्यान दिलाया था, हमने तुरंत जो है आदेश दे दिए थे, और उसको जो है टीचर को सस्पेंड कर दिया गया है, और उसका हेडक्वार्टर जो है वो शिमला में जो है वो किया जाएगा। इसी प्रकार से एक घटना सिराज मेवाड़ी चौकी के पास की भी है, वो अलग प्रकार की घटना है। उसमें मिड डे मील में जो है अलग अलग बच्चों को बिठाया गया था, लेकिन वो किस आधार पर क्या था उसकी छानबीन के लिए डिप्टी डायरेक्टर को कहा गया है, और वो आज ही उसकी रिपोर्ट भेज करके अगर उसमें भी कोई इस प्रकार की जो कोताही की गई होगी तो उसके खिलाफ भी तुरंत कार्रवाई होगी। ऐसी बहुत सारी घटनाएँ हो रही हैं जिसमें कुछ टीचर्स जो हैं वो इन्वॉल्व पाए जा रहे हैं, कई स्थानों पर तो प्रिंसिपल ही इस प्रकार की जो है घटनाओं में पाए जा रहे हैं। स्कूलों में इसके लिए जो है वो कमिटीज़ बनी हुई हैं, वो कमेटी छानबीन करती है और वो रिकमेंड करती हैं कि भी इस में जो है वो किसी प्रकार की कोताही जो है अध्यापक ने बरती है, तो उस पर हम एक्शन लेते हैं। आइंदा इस प्रकार की घटनाएँ ना हों, इसलिए हम एग्जामिन करवा रहे हैं। मैं लॉ डिपार्टमेंट से भी एग्जामिन कराऊंगा कि क्या हम आर्टिकल 311 का उपयोग जो है इसमें कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसको उपयोग करने से जो है वो क्या लीगल कॉम्प्लिकेशंस कुछ आएंगी या नहीं आएंगी, तो इसका भी विचार करेंगे। लेकिन स्कूलों में इस प्रकार की घटनाएं जो हैं वो पूरी तरह से बंद हों, इसके लिए सरकार के संकल्प है और हम इस पर एक्शन कड़ी कार्रवाई लेंगे। उधर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी स्कूलों में बढ़ती छेड़छाड़ की घटनाओं पर
चिंता जाहिर की और कहा कि ऐसे मामलों में शामिल पाए जाने वाले शिक्षकों को किसी भी हाल में नहीं बख्शा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके क्षेत्र में जातीय भेदभाव का जो मामला सामने आया है उसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं, वो जांच रिपोर्ट मांगी गई है। और ऐसे मामले कैसे लिया है कतई भी कोई भी रियायत देने की बजाय खासतौर से टीचर अगर बच्चों के साथ इन लोगों को पढ़ाते हैं उनके साथ भी ऐसी कोई, तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें कार्रवाई करने के अपने आदेश दिया सस्पेंशन और सस्पेंशन के साथ उसका हेडवॉच टेस्ट करने के लिए और तुरंत जो है उसकी रिपोर्ट आने के बाद आगामी कार्रवाई। दूसरा जो एटमोसिटी एक्ट के अंतर्गत जो है वो स्कूल के बच्चों के जो भोजन के दौरान जो मामला है वो हमारे विधानसभा क्षेत्र में मामला दर्ज कर दिया है। मैंने रिपोर्ट मांगी है, केस रिपोर्ट मांगी है और जैसे रिपोर्ट आती है सर नालागढ़ में स्कूल का मामला सर बहुत प्रशासन का हुआ सर कंटिन्यू होते नालागढ़ फोर लेन का, तो फोर लेन का वो मामला किसी कारण से रुका है। ज़मीन वहाँ चाहिए थी, ज़मीन की कीमत बहुत ज़्यादा थी, ज़मीन की कीमत देने में दोनों सरकार कुछ पोर्शन हरियाणा का पड़ता था कुछ हिमाचल का पड़ता था और ऐसी परिस्थिति में हमने हिमाचल के हिस्से की जो सिर काट दिया कर दिया, लेकिन हरियाणा वाला जो पोर्शन है उसमें हमने तय किया है कि जो एग्जिस्टिंग रोड है उसी में ही उसको जितना चौड़ा कर सकते हैं उसको करें। सर दो विधेयक भी पास हुए आज, ये तो रूटीन की जो हमारी जो एजी की रिपोर्ट आती है उसके मुताबिक है वो।